अस्सलामुअलैकुम फैमिली, वेलकम अन यू ब्लॉग स्ट्रेंथ फ्लेक्स में। बहुत बहुत खुश आमदेद और उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। सर्दी जो है अब कराची में थोड़ी थोड़ी पड़ना शुरू हो गई है, और जैसे कि अभी तक नहीं पड़ रही थी। और आज जो है मैक्सी मेरी गुद्दों में बैठी हुई है, मैं मैक्सी से बातें कर रही थी और ये देखी मैक्सी इस वक्त मेरी गोद में है। मैक्सी प्यारी बेटी, मैक्सी मेरी शहजादी है। मैं मैक्सी से गई थी, मैं एक डॉगी देख रही थी, तो मैक्सी कुछ गंदी बात कर रही थी तो मैक्सी को डांट रही थी। मैंने कहा मैं डॉगी नहीं देखूँ अपने लिए है, इन्होंने देखा कि मैं डॉगी देख रही हूँ अपने लिए, कोई डॉगी वगैरह ढूंढने की कहानी कर रही हूँ। झट आके मेरी गोद में बैठ गई है, ठीक है, ये मेरी गोद में आके बैठ गई फौरन से, और अब मैंने प्यार कर रही हूँ। प्यार करने के साथ साथ मैंने कहा वीडियो कैप्चर कर लूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ मैक्सी का प्यार करना। देखा कहीं अम्मा का ध्यान बट ना जाए, नहीं सच में नहीं कोई डॉगी शॉगी लेके ना आ जाए, है ना भाई। आज जो है छोटी सी बेबी, छोटी सी बेबी मैक्सी, प्यारी मेरी मैक्सी। पीछे से हमारी रोस्टर और हैंस की आवाज़ें आ रही हैं, उधर से चिंटू मिंटू यानी चाइनीज़ की आवाज़ें भी आ रही हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरा तो चलता ही रहता है। अच्छा जनाब, कल एक बैड न्यूज़ देना तो मैं आपको भूल ही गई कि हमारे कबूतर में से फैंटेल कबूतर जो होते हैं लका, वो कबूतरों में से उनका एक बेबी जो है ना, एक ही दिया था और वो एक बेबी जो एक्सपायर हो गया था कुछ मिसकेयर होने की वजह से। भूल गई थी कि मुझे बोलना क्या है, क्या वर्ड बोलना चाहिए आप लोगों के साथ, तो मिसकेयर हुआ और मिसकेयर होने के बाद बेचारी की जो है ना डेथ हो गई। ये देखे कौन बैठा हुआ है मामा की गोद में, मामा की बेटी, ये तो मामा की बेटी मैक्सी बेटी बैठी हुई है। अलीजे सामने लेटी हुई है, ये तो मामा की मैक्सी है और अलीजे मेरी प्यारी है, है ना। चलो जनाब, ये इमो साहब है और ये देखें ये ऐशी है। अभी ऐशी के साथ इमो कुछ बातें करना है, राजो न्यास करने आए हैं, लेकिन ऐशी अलर्ट हो गई है, हाथ पंजे नाखून निकाल लिए हैं। और अगर इमो साहब कोई वारदात करने की सोचेंगे तो ऐशी साहब और इमो साहब का मुंह नोच के लाल कर देंगे। काम तो और अम्मी कह रही हैं पीछे से के कान तो वैसे ही लाल करा हुआ है ऐशी ने या मैक्सी ने किसी ने नोच के। और ये देखें बगैर किसी वजह के अभी कुछ भी नहीं किया उसने, एक पंजा और आहिस्ता आहिस्ता उठा उठा के दिखा रही है कि देखो मेरे पूरे पंजे, मेरे नाखून पूरे, मैंने नाखून बनाए मैं। और मेरी बात पे गर्दन हिला के कह रही है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और इमो भी कुछ कुछ कर रही है, देखें उसके कान में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा ज़ख्म, ये इन्हीं लोगों की मार कुटाई का नतीजा है जब मेरा इमो बेचारा फिटता है उसके हाथ से। तो और ये मेरा हाथ मुस्तकिल हिल इसलिए रहा है कि अलीजा साहिबा मेरी गोद में बैठी हुई लत चला रही हूँ। इमो इमो मैक्सी के पास क्यों बैठा हुआ है, ऐशी के पास क्यों बैठा है आके मार खाने के लिए। इमो इमो बेबी देखें, अब मुझे ही बोलना पड़ेगा, मुस्तकिल मैं ही बोलती रहूँगी वरना वीडियो खामोशी से चलती रहेगी, लिहाजा मैं खामोश हो रही हूँ और आप लोगों को वीडियो म्यूज़िक के साथ सुनाती हूँ।
अकेले बैठ गए और ईमो को अकेला छोड़ के कहाँ चली गई ऐशी, यहाँ से उतर के ये ऐसी छुप गई हैं कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही। ये रही, ये आके इधर छुप गई हैं। और ये कहाँ से छुपी हैं? ये यहाँ से छुपी हैं, इनसे इनसे छुप के उधर बैठ गई हैं जाके।
ऐशी मामा को आया है प्यार, किस पे आया? गिरही पे आया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह रहम। गिरही की गर्दन दबाई जा रही है आज। क्यों बेटा आवाज नहीं निकाल रहा क्या गिरही? जो तुम चेक कर रही हो उसका गला दबा के, दबा के चेक कर रही हो उसे। कर लेंगे मामा है, मामा का कर लेंगे, मामा काट काट के का कर लेंगे है, छोटी सी बच्ची के साथ मामा का कर लेंगे, कत्ता कत्ता कर लेंगे उसको, कैसे कर लेंगे? कहती हो मामा का बेबी, कान काट लिया इसने मामा का। ब्लैकी ने देखा काफी देर हो गई, मामा जो है उसकी तरफ कुछ देख ही नहीं रही है, तो वो वापस आ गई। खैर से जो है गिरही की जान बख्श दी गई है, ब्लैकी जो है इसमें लगे पड़े हैं, ये अपने खेल में लगी हुई है और अब मामा अपनी टांग साफ करने में लगी हुई है। ये देखें, चले बिल्कुल कमेंट्री कर रही हूँ। अब मैं करती हूँ वीडियो को एंड, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने पेट्स का ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।